proud of me. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad. बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी जस्ट सीन ही है, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरे को घर निकलना है, तो मेरी ट्रेन है 5 बजे। तो मैं आ गया हूँ महाकालेश्वर मंदिर घूम के, तो इससे पहला वाला ब्लॉग में है मैं घूम के आया हूँ। तो आप लोग जो नहीं देखा तो पहले वो ब्लॉग देखो। तो जस्ट अभी चलते हैं स्टेशन के अंदर, तो अभी मेरे को यहाँ से फिर 5 बजे जाऊँगा, तो मतलब 5-6 बजे यहाँ पर ट्रेन आएगी, तो मेरे को ट्रेन मिलेगी, तो वो मैं जाऊँगा जबलपुर। जबलपुर में भेड़ा घाट जाने का भी प्लान है, तो भेड़ा घाट जाऊँगा। तो 5 बजे मेरे को यहाँ शाम को 5 बजे मिलेगी, और सुबह कल पहुँचूँगा 5 बजे मैं जबलपुर। तो जबलपुर सुबह पहुँचूँगा, तो सुबह पहुँचने के बाद फिर थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा भेड़ा घाट मंदिर। फिर वहाँ घूमने घामने के बाद मेरी फिर देखते हैं कौन सी इंदौर बिलासपुर या फिर कोई सी भी ट्रेन में देखते हैं, फिर अमरकंटक में रिजर्वेशन कराता हूँ अभी उसी के लिए। तो जब रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर वहाँ से फिर अपने घर निकल लेंगे। तो जस्ट अभी चलते हैं रिजर्वेशन कराने, ठीक है। ऑटो स्टैंड उज्जैन का गाइस, यहाँ ना बिल्कुल सिस्टम चेंज है, जैसे अपने बुढ़ार में जो है वहीं पे टिकट बुकिंग हो जाती है, वहीं पे स्टेशन है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टेशन इधर है और टिकट के लिए उधर कोने में जाना पड़ेगा। तो जस्ट अभी चलता हूँ और मैं रिजर्वेशन करता हूँ वहाँ का, ए क्या बोलते हैं, जबलपुर टू बुढ़ार। पहले मौसे जी से पूछ लूँ वो किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए होंगे तो मैं करा लेता हूँ यहीं से। चलो फिर मिलते हैं वहीं। अभी मेरे को फॉर्म मिल चुका है, मैं फॉर्म भरता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अभी फॉर्म भरूँगा, उसको जमा करूँगा, फिर देखते हैं टिकट मिलती है कंफर्म कि नहीं मिलती, ठीक है। सो गाइस, अभी का सीन ये हो गया ना कि मैं टिकट कराने गया रहा, तो मेरी टिकट जो ऑनलाइन कराया था ना वो भी कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि वेटिंग में ऑनलाइन मानी नहीं जाती और मेरे को अभी दिक्कत हो गई है। अब मैं जबलपुर नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अब इंदौर जाएंगे यहाँ से, उज्जैन से इंदौर, इंदौर जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मतलब जनरल मिलेगी, फिर जनरल सब सीधे बुढ़ार निकलेंगे, अब नहीं घूमेंगे कहीं भी, तो जस्ट वहीं चलेंगे। और एक भगत जी हैं तो उनके साथ चलेंगे, और अभी खाना अभी तक नहीं खाया, टिकट में 1-2 घंटे खड़े रहे तो वो भी बोल दी कि तत्काल नहीं होती है, तो फिर चलो वहीं चल के। सीन ये है, इतना मेहनत करने के बाद एक अमरकंटक चलते उसमें भी किया तो 109 वेटिंग, तो उसको मैं नहीं किया हूँ। तो अभी मेरे को एक इंदौर बिलासपुर चलते उसकी टिकट लिया हूँ, तो उसमें है करीब 70 वेटिंग, और ऊपर से कल हुई है, कल शाम को रात को 10 बजे है ट्रेन, यहाँ उज्जैन से कर टिकट हुई पर भोपाल से करना, तो भोपाल से होगी मतलब 10 बजे कल रात को, तो मैं बैठूँगा फिर सुबह 11 बजे पहुँचूँगा, ऊपर से वेटिंग में है तो पता नहीं सीट मिलती है नहीं, पर हो गया ऐसे ही कैसे करके निकलना है घर, क्योंकि वेटिंग ही वेटिंग आ रहा है सब जगह, तो जस्ट बहुत परेशानी हो गई। ये वाला टूर महंगा पड़ गया मेरे को, इसीलिए घर ही से करा के आना चाहिए। तो ठीक है, मैं भरोसे में था कि मतलब मौसी जी के फ़ोन से हो जाएगा, पर नहीं हो पा रहा है, तो बस हो गया। तो जस्ट अभी स्टेशन चलता हूँ, फ़ोन ऑन चार्ज करता हूँ, तो अभी मन भी नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का, तो क्या ही बताएं पूरा, मतलब सुबह से अभी 3 बज रहा, मैं खाना भी नहीं खाया, लाइन में लगे लगे इतनी ट्रेन का फॉर्म भरा, पर कुछ दिक्कत जानते कुछ नहीं हुई। तो जस्ट अभी चलता हूँ, अभी स्टेशन में बैठ के फ़ोन ऑन चार्ज करूँगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूँ। तो लव यू, वीडियो पे जो कोई नया तो यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, इतना कुछ कर रहा हूँ तो ठीक है। लोगों को पता है अभी 3 बज रहा है ना, मैं सुबह से खाना भी नहीं खा, क्योंकि छा रहा था ना, और मैं सोचा टिकट हो जाए पर वेटिंग में मिली है। वेटिंग का मतलब होता है कि पैसा पूरा लगेगा पर सीट नहीं मिलेगी आपको, मतलब नीचे बैठ के जाना होगा या फिर कुछ भी पता नहीं, ऐसा ही सीन तो होता है। या जैसा कुछ भी, अब जस्ट चलता हूँ स्टेशन के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होगा, तो आप लोग को वैसे भी पता चल ही जाएगा। मैं जो है ना बहुत लंबा तरीके से फंस चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। अब देखो, जो एक तो इतना देर तक मैं लाइन में लगा, उसके बाद मेरी टिकट मिली क्या, वेटिंग, ठीक है। पहले वेटिंग ऑनलाइन थी, उसको कैंसिल कराया, फिर उसके बाद अब वेटिंग मिली, उसके बाद अभी जो है सीन, टिकट मेरे को लोकल की मिली है, मैं भोपाल तक जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सोचा कि
भले एनर्जी डाउन हो रही है पर ब्लॉग डेली डालना है, तो जस्ट इसीलिए मैं सोचा कि मतलब ब्लॉग डेली डालना है तो मेरे को जो है ना भोपाल का भेड़ाघाट भले ही नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं जा रहा हूँ ना क्योंकि अब कपड़े जो थे वो भी कम हैं और जस्ट मन भी अब टूट गया है, समझ रहे, अब अच्छा नहीं रहा। तो जब मन अच्छा तभी घूमने में मज़ा आता है, तो जस्ट अभी ये जो पीछे आप लोग को दिख रही है तो ये भोपाल तक मेरे को छोड़ेगी, सबको छोड़ेगी और आगे जाएगी, फिर भोपाल जाने। अब देखो ना जीभ में छाला तो बोलते भी नहीं बन रहा, अभी खाना भी नहीं खाऊँ, 4 बज रहे हैं। ये 5-6 बजे छोड़ेगी यहाँ से और ये उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 में खड़ी, मतलब सबसे कचड़ा प्लेटफॉर्म। देखो ना पूरा कुछ भी सफाई वफाई नहीं, वो आपको ऐसे साफ सफाई दिखती होगी पर कुछ भी नहीं हो, कैमरे की वजह से दिखती होगी। तो जस्ट अभी मैं यहीं पर रुकता हूँ और फिर कुछ खाता हूँ, एक आध रोटी रखा हूँ चद्दर बिछा कर, फिर यहीं पर मोबाइल चार्ज करता हूँ, फिर देखते हैं ट्रेन चलेगी तो ब्लॉग बनाएंगे। और फिर अब कल रात को मेरी, कल मैं दिन सोचा हूँ कि दिन भर पता नहीं हिम्मत है नहीं है क्या सीन है मेरे को अभी नहीं पता, पर अभी कल जो है ना कल अब सीधे अब पूरा भोपाल एक्सप्लोर कर देंगे, फिर रात को 10 बजे अपनी ट्रेन है, ऊपर से वो भी वेटिंग में है, मतलब कहीं भी लटक पटक के जाना पड़ेगा जो कि पूरा पैसा दिए। तो इस बार और करते हैं, अब अगले बार से प्री प्लानिंग से आएंगे, कहीं भी ऐसे नहीं जाएंगे और आप लोग भी ऐसे मत जाइए, बहुत परेशानी होती। तो जस्ट फिर मिलते हैं जैसे ही ट्रेन चलती है, ठीक है, मैं तो अभी और परेशान होऊंगा, ठीक है। सो गाइस अभी जो है ना ट्रेन जो है डिपार्चर हो गई है रेलवे स्टेशन से, तो जस्ट अब मैं ना अंदर जाके बैठ जाऊंगा, तो अब देखते हैं भोपाल जो है ये 10 बजे रात को पहुंचेगी, तो फिर वहीं रुकेंगे रात को और सुबह फिर थोड़ा पूरा भोपाल एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद रात ही में अपनी ट्रेन है 10 बजे, तो फिर बुढ़ार अपन पहुँचेंगे। तो जस्ट अभी ये डिपार्चर हो रही है, तो लास्ट बार ये उज्जैन देख लीजिए आप लोग, तो दिखाता हूँ सिनेमैटिक में, ठीक है। You know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. अब मैं भी सीट में जाके बैठता हूँ और फिर थक भी गए ना, तो इसीलिए अभी ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, तो कुछ सिनेमैटिक अच्छे अच्छे डालूंगा, फिर मैं भोपाल पहुँच के आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। गाइस अभी जस्ट बज रहे हैं शाम के 8 और अभी का सीन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ना एकदम गांव ही गांव, खेती खेत पड़ रहा है, जो सुकून तो बहुत मिल रहा है, पर देखो छाला होगा तो दिखता होगा, तो ये बहुत बड़ा छाला मेरे हो गया ना, तो दर्द भी कर रहा हूँ, बहुत चीज़ आ रहा, मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ और 2-3 दिन से देखो पतला दुबला भी हो गया हूँ। तो जस्ट अभी मैं थोड़ा सा सिनेमैटिक दिखाता हूँ शाम के नज़ारे का, पता नहीं अंधेरा आएगा कि क्या, फिर थोड़ा 10 बजे करीब मैं भोपाल पहुँचूँगा, तो जल्दी भोपाल पहुँच के मिलूँगा, तो अभी जस्ट थोड़ा सिनेमैटिक दिखाता हूँ, मतलब बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, तो कुछ तो दिखाना चाहिए। जस्ट मैं अभी गेट के पास खड़ा हूँ, तो जस्ट दिखाता हूँ थोड़ा सा आप लोग ये सिनेमैटिक चेक करो, उसके बाद भोपाल में चल के मिलते हैं आपसे, ठीक है। देखो मैं कैसे खड़ा हूँ, एकदम ट्रेन चल रही है, ऐसा लग रहा है 3D मूवी चल रही है, काकू बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिनेमैटिक देखोगे, चलो हाँ देखने से पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इतने छाला है ना इसके बावजूद भी ब्लॉग कंटिन्यू बन रहा ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये लो सिनेमैटिक। गाइस पूरे स्टेशन ट्रेन में ना तुम्हारा भाई जिस बोगी में, देखो पूरा सीन ये है कि मैं ही बस अकेले बचा हूँ, तो जस्ट अभी भोपाल जो है अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा, तो ये सीहोर स्टेशन आया, सीहोर रेलवे स्टेशन आया, जहाँ कि हमारे MP के CM शिवराज सिंह चौहान जी उनका गांव है ये सीहोर, यहाँ पे वो रहा करते थे, अब भोपाल में है, बाकी यहाँ उनका घर था सीहोर में, तो जस्ट नीचे चलते हैं, मैं स्टेशन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं
उतर के इसलिए आगे नहीं गया क्योंकि जो है ना पूरा अंधेरा अंधेरा था स्टेशन में, तो जस्ट नहीं गया हूँ तो यहाँ लाइट बहुत कम थी और जस्ट लेट भी हो रहा है। अब जाके सोना है, देखो ना छाला आप लोग को दिखता होगा ना, तो मेरे बहुत बड़ा है तो मैं अभी पानी तक नहीं पीऊँ, तो जा रहा हूँ अभी जस्ट बैठूँगा। अब थोड़ी देर में एक डेढ़ घंटा बाद भोपाल आएगा तो जल्दी से भोपाल चल के मिलते हैं। और देखो पूरी ट्रेन खाली होते जा रही है तो जस्ट अभी वहाँ चलते हैं और सीट में बैठते हैं, तभी मैं सिनेमैटिक दिखा सकता हूँ स्टेशन का। तो चलो सिनेमैटिक इन्जॉय करो, उसके बाद सीधे भोपाल। खत्म हुआ गाइस सीहोर। यहाँ के हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ उनका घर था। ये है सीहोर रेलवे स्टेशन, ये लास्ट ख़त्म हो गया, आप लोग को दिखता नहीं होगा। तो अब सीधे भोपाल चल के मैं आप लोग से मिलता हूँ। तो जस्ट पूरी ट्रेन का सीन ये है और जस्ट अभी पूरा बोगी होगी पूरा देखो भरा हुआ है, तो जस्ट अभी गेट के सामने भी पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो जस्ट अब सीधे भोपाल पहुँचते उसके बाद मिलते हैं। हालत बहुत ख़राब है, मैं 3-4 दिन से ना खाना खा नहीं रहा हूँ, तो जस्ट अभी चलता हूँ और फिर सीधे अब भोपाल पहुँच के आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं लग रही, जानते मैं जब उनसे ट्रेन में हूँ ना तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो जस्ट अभी आता भोपाल उसके बाद अपन मिलते हैं। तो जस्ट अभी खिड़की के पास बैठ गया हूँ, अब सीधे भोपाल पहुँच के मिलता हूँ, ठीक है। इस ट्रेन से अपन लोग कल जाएंगे ना इंदौर बिलासपुर से, तो मतलब इंदौर बिलासपुर से अभी जस्ट निकलने वाली है, तो सीहोर आ गई है उसके बाद से ये जस्ट निकलेगी अभी, तो मैं उसको दिखाता हूँ। कल इसी से अपन को चलना है भोपाल से सीधे बुढ़ार के लिए, तो अभी जस्ट आने वाली है तो मैं दिखाता हूँ आपको। वो सीहोर से निकल गई है, जब उनसे स्टेशन मैं खड़ा हूँ ना जस्ट उसी स्टेशन में आएगी, तो जस्ट वहीं पर मतलब यहीं से निकलेगी, तो जस्ट अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो गाइस सिग्नल देख सकते हो आप लोग, ग्रीन हो गया, तो जस्ट अभी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। इस तरफ से आएगी ट्रेन, तो जस्ट अभी इंतज़ार करते हैं। फाइनली अगर आप लोग को लाइट टाइप की दिखती होगी ना, तो वो ट्रेन है इंदौर बिलासपुर जिससे अपन कल जाएंगे 10 बजे, फिर अभी भोपाल जाएगी, तो जस्ट अभी आने वाली है, अपने सामने से निकलेगी। तो ये देखो लाइट जल रही है, आई होप आप लोग को दिखती होगी। और इसका सिग्नल जो है ना पूरा ग्रीन रखा हुआ है, अभी सीधे एक्सप्रेस है ना तो निकल जाएगी यहाँ से। इंदौर बिलासपुर निकल गई, जस्ट इसी से अपन को कल निकलना है अपने घर के लिए, तो अभी तो भोपाल चलेंगे, तो सीधे वहीं से अभी पता नहीं क्या सीन होता कल सुबह का, भोपाल पूरा एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद। अभी ट्रेन तो निकल गई ऐसे ही, मतलब कल जो है ना फिर निकल जाएगी, तो जस्ट अपन भी इसी में कल निकलेंगे, तो देखते हैं कल का सीन कितना मज़ा आता है, ठीक है। फाइनली भोपाल आ गया है, तो अब जस्ट सिनेमैटिक उसके बाद स्टेशन में उतर के मिलता हूँ फटाक से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है क्या? फाइनली भोपाल आ गया हूँ, तो जस्ट अभी स्टेशन चलते उसके बाद मिलता हूँ थोड़ा, ठीक है। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ गया भोपाल जंक्शन,
तो आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे जो नया सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट वीडियो पूरा एक्सप्लोर होगा चैनल में, मतलब पूरा भोपाल सुबह एक्सप्लोर करूँगा। तो जो कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि पूरा भोपाल रेलवे स्टेशन दिख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मैं ना अभी जस्ट सो रहा हूँ, वेटिंग रूम होता है जो स्टेशनों का वेटिंग रूम होता है ना, तो मैं जस्ट वहीं सो रहा हूँ। तो अब सुबह आपसे मिलते हैं, पूरा स्टेशन एक्सप्लोर करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं अभी सोया हूँ वेटिंग रूम में, तो सब लोग बहुत लोग सोए हैं। तो जस्ट गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आज के ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।